भाई यहाँ से सामने में देखो एक बिल्डिंग दिख रहा होगा जो कि क्रेन से मैं हमेशा से दिखाते हूँ। क्लाउड देखो बराबर से नहीं दिख रहा होगा ना, हम चलते हैं क्रेन पे। तो मैं अभी आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि बूम के सामने से वाइब कैसा आता है। जब हम केबिन पे बैठते हैं ना तो हमें ऊपर ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हम ऊपर से दिखाएंगे। तो सामने में एनमोमीटर भी देखने को मिलेंगे और केबिन भी। वाओ केबिन है ये हमारा। तो यहाँ से ऐसे नज़ारे आते हैं भाई, गर्मी और धूप एक साथ एकदम दबा के लग रहे हैं। नज़ारे देखने को मिलते हैं ना, देख लो सामने से, जबकि हमने आप सभी को वहाँ से दिखाया था इस साइड से, तो वहाँ से तो देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ से अभी देखने को मिलेंगे आप सभी को अमेजिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, हम टॉप फ्लोर पे देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। लेकिन भाई देखो माइवन किस तरीके से सेट किया गया है। माइवन इस साइड का कंप्लीट हो चुका है, यहाँ बाकी है तो यहाँ पे बाकी ही है। लेकिन आज का जो हमारा काम होने वाला है ये होने वाला है, ये ग्रीन नेट देखने को मिल रहा होगा, यहाँ फिक्सिंग किया गया है, यहाँ पे भी फिक्सिंग किया गया है, लेकिन वहाँ पे देखने को मिला होगा नहीं किया हुआ, वो भी नहीं किया हुआ है, उस साइड में भी, उस साइड में भी, मतलब कहीं पे भी फिक्सिंग नहीं हुआ है, यानी कि सारा का सारा नीचे ही है। लेकिन कैसा होता है मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ किस तरीके से। मैंने ऐसा सेफ्टी स्किन यहाँ पे देखा है, इससे पहले हमने नहीं देखा। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये सेफ्टी स्किन है, जो कि सेफ्टी के दायरे में काम करने के लिए होता है। वहाँ पे और यहाँ पे क्लैंप मारा हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, यानी कि ये दो जगह पे क्लैंप मारा हुआ है। और इससे क्या होता है कि जब भी फ्लोर हाइट होगा तो इसके साथ साथ हाइट करना पड़ेगा, मिनिमम इसमें आराम से हो जाता है। और ये एक तरफ से देखा जाना तो मैनुअली हाइट होता है, मैनुअली यानी कि क्रेन से, वो भी सामने में दिख रहा होगा, वो भी देख रहा होगा। ये हाइट हो गया ना, यहाँ पे नहीं हुआ है और इस साइड का बाकी है। तो आज का पूरा दिन हमारा इसमें ही जाने वाला है। और ये आप सभी को पता क्या है, ये जैक है, जैक के द्वारा ये मतलब फिक्स किया जाता है, उतना हाइटिंग रहता है। अगर इससे नीचे करेंगे तो वो नीचे भी आ जाएगा, उनके तरीके हैं अपने अपने काम करने के। भाई यहाँ से सामने में देखो एक बिल्डिंग दिख रहा होगा, जो कि क्रेन से मैं हमेशा से दिखाते हूँ। क्लाउड देखो बराबर से नहीं दिख रहा होगा ना, हम चलते हैं क्रेन पे, वहाँ से आप सभी को दिखाते हैं। और भाई काम स्टार्ट हो गया है तो काफ़ी सारे लोग भाई आ रहे हैं ड्यूटी। तो देख लो वहाँ पर भी खाली है, वहाँ पर भी खाली है, जहाँ खाली है वो अटैच करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा माइवन सब लोगों ने उठा के रखा है। नीचे से खोल के वो ऊपर शिफ्ट होता जाता है, ऊपर शिफ्ट होता जाएगा ना कंटिन्यू, तो ये बिल्डिंग हाइट होता ही चला जाएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे सारा का सारा कचरा लग जाता है जब इसे मतलब बनाया जाता है। तो जब कंक्रीटिंग होती है ना तो वो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, फिर कंक्रीट के बाद मटेरियल शिफ्ट, फिर बहुत गंदा हो जाता है। ये सब दो तीन दिनों के अंदर, ये सब जितना दिख रहा है ना, दो तीन दिनों के अंदर अंदर इसे सारा शिफ्ट किया गया है, ऐसा होता है। हम चलते हैं क्रेन पे और वहाँ से वाइब दिखाते हैं कि ऊपर में कैसा दिखता है। तो मैं अभी आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि बूम के सामने से वाइब कैसा आता है। जब हम केबिन पे बैठते हैं ना तो हमें ऊपर ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हम ऊपर से दिखाएंगे। ऊपर से देख लो ये सामने ऐसे नज़ारे आते हैं, क्लाउड तो है ही भाई। ये देखो टायरड, टायरड इसे सम्पेक्शन रॉड भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर लगे रहते हैं। सामने में एनमोमीटर भी देखने को मिलेंगे और केबिन भी। वाओ केबिन है ये हमारा। तो यहाँ से ऐसे नज़ारे आते हैं भाई, गर्मी और धूप एक साथ एकदम दबा के लग रहे हैं, लेकिन जो हवा चल रहा है ना उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर फील हो रहा है। तो पीछे में बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा होगा ना हमारा सिस्टम, जो कि हमारे क्रेन से सारे चीज़ें नज़र आ जाती हैं भाई। और सामने से भाई अपना एनमोमीटर की जो स्पीड है, सामने देख लो भाई, उसकी मटेरियल उतर रही है, क्रेन से मटेरियल अपना उतार रहा है। जैसे कि क्या होता है कि वो बिल्डिंग लगभग कम्प्लीट हो गया ना, तो उसकी जो मटेरियल है उतर रही है भाई। और यहाँ पे देख लो हमारा जो स्लैब, हमने जिसके नीचे रिकॉर्ड किया ना, ये वही स्लैब है, इसके अंदर कंप्लीट हो गया है। सरिया वाले को चाल मिलेगा भाई, यहाँ पे ऊपर सरिया लेने वाला है आज के दिन। तो अगर आज के दिन वो सरिया लेगा तो समझो कि मतलब उनका चाल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ता चला जाएगा, ऐसा होता है। हे गाइस, तो आ चुके हैं हम लोग केबिन में भाई, केबिन हमारा मस्त ठंडा हो गया भाई। यहाँ से जो नज़ारे देखने को मिलते हैं ना, देख लो सामने से, जबकि हमने आप सभी को वहाँ से दिखाया था इस साइड से, तो वहाँ से तो देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ से भी देखने को मिलेंगे आप सभी को अमेजिंग। क्योंकि ये केबिन है भाई, यहाँ से हम बैठते हैं, ये हमारा कुर्सी है, ठीक है, यहाँ हमारा सर आता है और सामने से वाइब देखने को मिलता है। हम बैठते हैं अपने कुर्सी पे, ये हमारे लिए स्पेशल बना हुआ है, तो हम यहाँ से बैठते हैं भाई। और यहाँ से भाई नज़ारे यहाँ पे देख लो, साइड साइड से पूरा कांच लगा हुआ है, जैसे कि हमने पहले भी आप सभी को दिखाया, ठीक है, ऐसा दिखने को मिलता है। जैसे कि जो क्रेन सीखते हैं ना, उनको बहुत एक्साइटमेंट रहता होगा ये सारी चीज़ें देखने के लिए, तो उनको हम बता दें कि लेफ्ट राइट साइड का एरिया
लेफ्ट साइड का एरिया, लेफ्ट साइड में ये इंफॉर्मेशन लोड का रहता है और ये करेंट से रिलेटेड रहता है। तो ऐसा होगा, हम खोलते हैं जैकेट, हम बैठते हैं अपनी जगह पे, स्थान ग्रहण करते हैं जैसे कि लोग सभी करते हैं। भाई पर्स, पर्स निकालना पड़ेगा वरना बैक साइड में प्रॉब्लम करेगा, तो हम इसे यहाँ पे रखते हैं क्योंकि हमारा पर्स का जो स्थान है वो हमारे बाजू में है। हम करते हैं क्रेन स्टार्ट, क्रेन स्टार्ट यहाँ से ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, क्रेन हो जाता है स्टार्ट। हम यहाँ पे ओके टॉकी है, एट नंबर पे हमारा फिक्स है, यहाँ पे ओके टॉकी है, यहाँ पे ओके टॉकी है, वो बोलेगा कुछ भी मुझे सुनाई देगा। भाई देख लो यहाँ से बादल है ना, अमेजिंग बादल ऐसा है, हमें आवाज दे रहे हैं, बात करते हैं इनसे। क्या हो गया, क्या हो गया, हो गया यार, वो सीरियल लेके है ना, इधर फिल्म का माल के पास लेके आ रहा है, पर आगे गया है, रिंग लगा देगा तो लेके आना इधर। ठीक है ठीक है, तो भाई बीम का माल, जैसे कि हमने आप सभी को बताया था कि बीम का माल उठने वाला है, तो वहां पे हमारा सीलिंग है, सामने में देखने को मिल रहा होगा, ये स्लैब में ही है। आप कोई भी व्यक्ति अगर उस स्लैब पे जाता है तो वो सीलिंग मैं उठाऊंगा। स्टील यार्ड पीछे साइड में है, वो दिखाएंगे आप सभी को, पीछे साइड में है ना स्टील यार्ड, तो वहां से सरिया उठ के यहाँ पे आएगा। भाई बहुत वजन है, टू पल का रोप हुआ है तो बहुत हालत खराब होने लगी है, खास करके मेरा और उसका भी वही हाल है, ब्रेक का एक प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो एसी वाले को भी इन्फॉर्म कर दिया गया, हमने जबकि ब्रेक टाइट किया फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अब वो तो वही बताएंगे, अब वो चेक करेंगे, हमसे नहीं होगा तो हमारे लोग आएंगे जो एसी का काम करते हैं, वो इस चीज से रिलेटेड सारी जानकारी और वहां से प्रॉब्लम्स ठीक करेंगे। तो यार गाइस हमारा हो चुका है छुट्टे, लगभग 7 बजे के बाद हमारा काम नहीं चल रहा था क्योंकि काम हो गया था बंद, और मैं आ चुका हूँ मस्त निहाद भाकर बिल्कुल ही ऑफिस में, और ऑफिस में आने के बाद भाई हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि सब लोग चले गए, मैं आने के बाद इधर मस्त बैठ रहा था क्योंकि बाहर गर्मी लगता है, मतलब शाम में भी भाई गर्मी से ही परेशान आन रहता है सभी लोग, कोई अपने रूम तो कोई कहीं, तो मुझे ज़्यादातर मतलब ऑफिस में ठीक ठाक लगता है, इसके लिए मैं ज़्यादातर ऑफिस में आना प्रेफर करता हूँ, इसके लिए ऑफिस में। तो यह हमारा ऑफिस भाई, इस साइड में पूरा ये सेटिंग लगा दिया गया ताकि उधर साहब और इधर इंजीनियर वाले साहब ऐसा हो जाता है, तो आता क्या है कि थोड़ा जल्दी हो गया तो हमने सोचा क्यों ना ऑफिस में बैठते हैं, मतलब अक्सर से कभी जब मन करता है तब आ जाते हैं, तो ऐसा होता है। और भाई जो हमारा ऑपरेटर है वो भी चला गया गाँव और मैं रहूँगा फिलहाल अकेले, तो मुझे भी क्रेन चलाने पड़ेंगे, लगभग 6-7 बजता है मिनिमम, इससे ज़्यादा नहीं, वो चला गया तो भाई मुझे ही करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 ऑपरेटर मतलब रखा गया है, हेल्पर नहीं रखा गया है, हेल्पर नहीं रखता हमारी कंपनी, कहीं कहीं रख देते हैं दूसरे दूसरे साइड पर, लेकिन यहाँ फिलहाल एक बिल्डिंग है तो 2 ऑपरेटर रहते हैं, ऐसा होता है। तो यार इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।